गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मैजिक हैंड पर आपका स्वागत है। मैं आज फिर से एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बादाम मिल्क शेक। बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए मैं ली हूँ 1/2 लीटर दूध, कस्टर्ड पाउडर, शक्कर, काजू, पिस्ता और बादाम को मैं ग्राइंडिंग करके ली हूँ, और गार्निशिंग के लिए कतरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ले लेते हैं एक पतीला और गैस ऑन करके इसमें हम डालेंगे दूध। मैं इसमें थोड़ी सी दूध को निकाल लेती हूँ और इसमें बाकी सभी दूध को डालेंगे। और इसे थोड़ी सी गाढ़ा होने तक पकाएंगे। गाढ़ा होने लगा है और इसमें देखिए थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, लेकिन इसमें डायरेक्ट कस्टर्ड पाउडर नहीं डालेंगे, इसलिए मैं दूध को बचा कर रखी हूँ। इसमें डायरेक्ट कस्टर्ड पाउडर डालने से इसमें लम्स पड़ जाएगी। मैं 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर का लिक्विड ऐड करके दूध को मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद इसमें डाल लेंगे शक्कर। इसको हमें लो मीडियम में इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग शक्कर डालेंगे। आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, और शक्कर को मेल्ट होने देंगे। ये देखिए शक्कर इसमें मेल्ट हो गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर को ऐड कर लेते हैं। और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट का पाउडर रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। और इसे और थोड़ी सी गाढ़ी होने तक पकाएंगे। हमारा बादाम मिल्क शेक बन गया है। हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए, इससे ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे। अब गैस को बंद कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। ये ठंडा होने के बाद हम इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। बादाम मिल्क शेक ठंडा हो गया है। अब इसे सर्व करेंगे। तो मैं ली हूँ इस तरह के 2 कप और इसे हम अभी डेकोरेट करेंगे। तो मैं लूँगी 1 प्लेट में थोड़ी सी पानी और थोड़ी सी शक्कर। पहले हम कप को पानी में इस तरह से डिप करेंगे, उसके बाद शक्कर में। एकदम सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरह से करना है। अब इसमें बादाम मिल्क शेक को फिल कर लेंगे। और इसके ऊपर पिस्ता बादाम को गार्निश करेंगे और थोड़ी सी कतरी। ये देखिए हमारा ठंडा ठंडा बादाम मिल्क शेक बन के रेडी हो गया है। आपको मेरा रेसिपी पसंद आया है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल द मैजिक हैंड को सब्सक्राइब करें। साइट में दिए गए बेल आइकन बटन को क्लिक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरा ये रेसिपी कैसे लगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।